हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये देखिए सर, इसके पैर में ये डांट लगा, काफी जहरीला लगता है ये। चुपके आदमी मर गया। कितना बुरा हुआ है मेरे साथ, पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख के उठी थी जो ये सब देखना पड़ रहा है। अखबारों में खबर फैल जाएगी, कितनी बदनामी होगी मेरी। आपको अपनी बदनामी की पड़ी है, है? और यहाँ पर एक आदमी की जान चली गई है, खून हुआ है उसका, और वो भी आप ही की पार्टी में, समझिए आप, आपकी पार्टी में। जरा एक बात बताइए, क्या आप में से किसी ने भी किसी आदमी को युग के आसपास मंडराते हुए देखा है? या जी, कौन कर सकता है ये? क्या आपको किसी पर शक है? सर, आज इतने लोग आए, मुझे सब पर शक है। क्यों, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे पति को मार डाला। दिया, प्लीज कुछ भी मत बोलो, यहाँ सब मेरे मेहमान हैं। मेरे पति की मौत हो गई और तुम्हें अपने मेहमानों की पड़ी है, और जो मेरी पार्टी खराब कर दी उसका क्या? शनाया जी, आपके इस पार्टी में एक आदमी का खून हो गया है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आप भी हैं। सर, मैं किस किस की निगरानी करती रहूंगी? यहाँ मैं अपनी पार्टी संभालूं या उस खूनी को ढूंढती रहूं? जैसी करनी वैसी भरनी। पता नहीं लोग क्या क्या करतूते करते हैं बाहर, तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हम पर शक कर रही है सनाया, और जो मेरे लाखों का नुकसान हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, उसका क्या? बस बस, देखिए आप सब लोग जो यहाँ शनाई जी के पार्टी में आए हैं, आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते जब तक हम आप लोगों की चेकिंग नहीं पूरी करते सबकी, और आप सभी लोगों की उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। सर, काम करो, घर के बाहर जाके अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या, और बॉडी को भी फोरेंसिक लैब भेजना पड़ेगा। यस सर। रेडी, लग जाओ काम पर। यस सर। सर, मैंने सारी औरतों को चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। ए मिस्टर, सिक्का जेब में रखिए और इस पे हाथ रखिए। क्यों भाई? अभी तक नींद में थे, हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान चाहिए, रखिए हाथ। ओ। नहीं सर, बाहर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे खूनी के बारे में कुछ पता चल सके, और यहाँ का वॉचमैन वो भी कुछ खास बता नहीं पा रहा। सर, सबके उंगलियों के निशान ले लिए सर। सर, किसी के पास ऐसा नहीं है जिससे किसी पे शक हो। काम करते हैं, इस पार्टी में जितने भी प्रेस फोटोग्राफर्स आए हैं उन लोगों ने इस पार्टी का फुटेज तो शूट किया है अपने कैमरा में, वो फुटेज ही ले लेते हैं। अभिजीत को पुणे में फोन करो, पूछो उससे क्या पता चला। सर, विशाल के फोन रिकॉर्ड से तो कुछ पता चला नहीं सर। अजीब बात है, जिस ट्रक से विशाल का एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। ना यहाँ की पुलिस वालों को वह ट्रक मिला, ना ये पता चला कि वो ट्रक किसका है। सर, इतना बड़ा ट्रक आखिर जा कहाँ सकता है? हो सकता है ट्रक को चलाना बंद करके कहीं छुपा के खड़ा कर दिया। हो सकता है ट्रक चल रहा हो, उसका हुलिया बदल दिया गया हो, शायद कलर चेंज कर दिया गया हो। हाँ सर, ये हो सकता है, क्योंकि ट्रक तो आमदनी का जरिया है, और कोई अपनी आमदनी को बंद क्यों करेगा। सर, आप इस ट्रक का पता लगाएं कैसे? किसी ने इसका नंबर भी नहीं देखा था। यहाँ पे जितने भी गैराज है जहाँ पे कलरिंग वगैरह का काम होता है ना, वहां जाके पता करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। सर,
सब पार्टी में आए हुए सारे चैनल्स की फुटेज मैंने सीडी में इकट्ठा कर ली है। अब तक तो ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है जिससे खूनी के बारे में कुछ पता चल सके। और फिर ये देखो ना, युग लोगों से कितनी दूर खड़ा है, उसके आसपास भी कोई नहीं जो उसे आसानी से डार्क फोक सके, फिर भी मारा गया। से युग दिया शनाया और ये नया आया शराबी सम्राट सब है पार्टी में, लेकिन युग का खूनी इनमें से कोई है या कोई बाहर वाला है ये पता नहीं चल रहा है। किसने मारा होगा इस युग को वो डार्ट? दया जरूर खूनी इन्हीं में से कोई है, इसी पार्टी में है वो, इसी पार्टी में। चलो एक काम करो, सारे क्लिप्स स्लो मोशन में करवाओ और अलग अलग सीरीज में दे दो मुझे। सब सर, युग दिया शनाया और सम्राट इन सब के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती थी मैंने निकाल ली है। रेडी, इतनी सारी मेहनत करके तुमने जानकारी निकाली है, लेकिन एक लाइन में कहूं? हाँ सर। ये सब के सब झूठे और धोखेबाज है। ये बात तो है सर, सब के सब शक के दायरे में है। युग कभी भी एक साल से ज्यादा देश में नहीं रहा और दिया से शादी करने से पहले वो दो दो शादियां कर चुका था। और शनाया पर तो अमेरिका में 65 करोड़ के कर्जे का मामला चल रहा है। पर सर, ये तो अपने आप को हजारों करोड़ की मालकिन बताती है। और सर, ये सम्राट तो एक नंबर का जुआरी और शराबी है, समाज में तो उसे अपने साथ कोई खड़ा नहीं करेगा। ये सारे के सारे बंटी के रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर सके। और कितना टाइम लगेगा रघु? 4 दिन हो गए गाड़ी को गैराज में खड़े हुए, फटाफट काम करो नहीं तो गाड़ी मालिक आ जाएगा अभी गाड़ी लेने के लिए और सर पे बैठेगा हमारे। इसी गैराज में नीले ट्रक का पता चलेगा। अरे कोई मिस्त्री या मैकेनिक है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, बताइए साहब, काम क्या करवाना है? हमारे पास बहुत सारे मैकेनिक और मिस्त्री हैं। कच्चे खिलाड़ी लगते हो। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो मरीज को देख के ये बता दे कि बीमारी क्या है। दिख रहा है साहब, लगता है किसी को उड़ाकर आए नशे की हालत में। नशा नहीं बोलने का, नशा बुरी आदत होती है। Do not drink and drive। हम दोनों तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं पूरे होश में। अब अगर कोई हमारी कार के आगे आ जाए तो हमारी कार क्या करेगी बेचारी, है ना? हाँ ये बात तो है साहब, बताइए हमें करना क्या है? देखो हमारी इस गाड़ी का होलिया बदल दो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आज से पहले ऐसी कार थी, बस। नहीं नहीं नहीं, ये पुलिस का मामला लगता है और मैं ऐसे कामों में हाथ नहीं डालता। आप जाइए और किसी गैरेज में। जितना पैसा बोलोगे उतना मिलेगा, 10, 20, 50। हाँ 50 चलेगा। चलेगा, दिए। पुलिस, पुलिस आ गई। देखो हमें कहीं छुपा दो, हमें पकड़ लेगी, हमें कहीं छुपा दो जल्दी से। उधर जाओ, उधर जाके छुप। पता ना मत हाँ। कोणा जी गाड़ी है साहब? कौन ले गया गाड़ी? दो लोग आए थे साहब। किधर गए वो लोग? बोल किधर गए साहब? गाड़ी को फुल सर्विसिंग करने के लिए छोड़कर चले गए साहब। वो दोबारा आएगा? जी साहब,
तो हम लोगों को बताने का। जी साहब। बोलेगा तो नहीं ना? नहीं साहब। चल ये तो हमें ये 20,000 एडवांस, बाकी पैसा काम होने के बाद। एक मिनट, हम ये कैसे मान लें कि आप एक दिन में ये गाड़ी पूरी की पूरी ठीक कर देंगे? अरे साहब ये गाड़ी तो छोड़िए, मैंने रातों रात में पूरे ट्रक का हुलिया बदल दिया था। देखो माना कि हम लोग थोड़े ठीक नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी झूठ बोल दो हम मान लेंगे। अरे मैम 3 महीने पहले की बात है, हमारे यहाँ एक नीले रंग का ट्रक आया था और हमने उसे रातों रात लाल कब कर दिया हमें बिल्कुल पता भी नहीं चला। लगता है उसने भी उड़ाया था किसी आदमी को। मगर अपने को पता चल गया है? क्या नंबर था ट्रक का? तुम सीआईडी के जाल में फंस चुके हो। उस ट्रक का नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन वो ट्रक सब्जी मार्केट में चलता है। भाजी मार्केट में? हमारे पास जब ट्रक आया तो उस ट्रक में सूखी सड़ी गली सब्जियां कुछ पड़ी हुई थी। कौन मालिक का ट्रक का? ट्रक के मालिक का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके ड्राइवर का नाम मालूम है। उस ड्राइवर का नाम गोटिया था। गोटिया? जी साहब। कैसा दिखता है ये गोटिया? ₹500 करोड़ की प्रॉपर्टी है बंटी की, 500 करोड़ की। लेकिन एक बात अच्छी है कि उसकी जान को किसी से खतरा नहीं है। हाँ सर, बंटी की जिंदा रहते ही उसकी ये प्रॉपर्टी किसी के काम आ सकती है जो खुद को उसका रिश्तेदार साबित कर पाएगा। हाँ नहीं तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। सर अब आज भी बंटी का एक रिश्तेदार मिलने आने वाला है ना उससे। सम्राट, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के लालच में सब पैदा होते हैं, मामा मासी चाचा बुआ सब लोग, मगर हम लोग हैं ना एक एक रिश्तेदार की अच्छी तरह से जांच करेंगे। हाँ कहाँ है मेरा बच्चा, मेरा बंटी, मेरे जिगर का टुकड़ा? कौन है आप? मामा, सम्राट मामा। ओ मामा, दो माँ एक मामा, दुगनी ममता। अब मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे जिगर का टुकड़ा? मिलवाते हैं। सब्र करना दे। अच्छा आइए माँ माँ जी आइए। पंकज ये मामा जी है, सम्राट मामा जी, बंटी के मामा, इनसे बात करना चाहते हैं। अंकल मुझे किसी से बात नहीं करनी। किसी नहीं हूँ मेरा बच्चा, मैं मामा हूँ तेरा, मामा तू भांजा है मेरा। अब जब छोटा था ना तो पीठ पे बिठा के तुझे घुमाता था और तू बोलता था चमलात मामा चमलात मामा। अपने चमलात मामा को भूल गया मेरा बच्चा। बताया अंकल। बेटा एसीपी साहब ने कहा है, बात कर लो इनसे, घबराओ मत। भाई साहब आप बैठ जाइए। पंकज बचपन के रूठने की आदत गई नहीं तेरी अब, पर तू जब बचपन में रूठता था ना तो मैं तुझे चॉकलेट देता था। ये ले तेरी चॉकलेट। आप ये रख लीजिए, मैं चॉकलेट नहीं खाता। बेटा जब तू छोटा था तो यही चॉकलेट खाता था। खाता होऊंगा पर अभी मैं ये नहीं खाता। कोई बात नहीं रख ले, जब तू मेरे साथ जाएगा ना तो तुझे वही चॉकलेट दूंगा जो तू अब खाता है। चल अब मामा को एक मीठी सी प्यारी सी किसी दे दे। चल कम आप अपनी आगे खोल लीजिए, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता। भूल गया, शर्म आ रही है तुझे? कोई बात नहीं मैं सब याद दिलवा दूंगा। जब तू बचपन में मुझे ऐसे किसी नहीं देता था ना तो मामा ऐसे पकड़ के किसी ले लेते थे। प्लीज दया, बंटी खुश नहीं है इस सम्राट मामा से मिलकर। अब
वैसे भी टाइम हो गया है, इसे भगाते हैं। मैं नहीं आपका भांजा, कोई और होगा। सम्राट मामा, उठिए। तो साहब, मैं बच्चे को कब ले जा सकता? बाकी और भी रिश्तेदार आने वाले हैं, वो भी दावा कर रहे हैं बंटी के रिश्तेदार होने का। उन सब की जांच करने के बाद हम आपको बता देंगे, ठीक है? सब नकली है साहब, मैं असली मामा हूँ। आप अच्छे से तसल्ली कर लीजिए साहब। बिल्कुल मामा जी, एक बार तसल्ली हो जाए तो आपको खबर कर देंगे, ठीक है? ठीक है मेरा बच्चा, चिंता मत कर, जल्दी आएगा मामा लेने। मिले मामा से। अंकल मुझे इन लोग के साथ नहीं जाना, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते अंकल। अरे सही तरह से जांच करे बगैर हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, किसी के साथ भी नहीं भेजेंगे, समझे? पर अंकल मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे इन लोग के साथ जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, तुम हमारे साथ ही रहोगे, तुम यही रहोगे, हम तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। पूरा मत या चल, बंटी को हॉस्टल वापस भेज देते हैं। फ्रेडी अंकल तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा, ठीक है? फ्रेडी के साथ फ्रेडी रहेगा। सर योग के बारे में नई जानकारी मिली है। क्या? सर शनाया ने योग से पैसे लिए थे और फिर योग उससे अपने पैसे वापस मांग रहा था। शनाया ने योग से पैसे लिए थे और योग पैसे वापस मांग रहा था। हाँ सर, और सर उसने उसके घर उसको धमकाने के लिए गुंडे भी भेजे। ओह सर, शनाया का हाथ हो सकता है योग के खून में। हाँ सर, उनके बोल ठीक है, अभी आते हैं। बुलजाई, बुलजाई। अबे बुलजाई के बच्चे, बॉडी एग्जामिन करने के बगैर तू डार्ट्स खेल रहा है? हाँ, क्योंकि डार्ट के ही खेल खेल में किसी ने इस बेचारे को मार दिया। क्या खेल खेल में मार दिया? क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मैं समझाता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ। ये देखो बस, ये युग के घुटने के ऊपर ये जहरीले डार्ट का निशान, और ये डार्ट किसी ने बंदूक की गोली की तरह से मारा है, चाकू की तरह घोंपा नहीं है। यार तू इतनी यकीन से कैसे कह सकता है ये डार्ट है? क्योंकि मैंने इस जख्म को अच्छी तरह से चेक किया है। मैं बताता हूं कैसे कह सकता हूं। आओ ये देखो बस, ये युग के घुटने के ऊपर ये घाव देखो, और से देखो ये घाव एकदम सीधा है, 180 डिग्री की रेखा में एकदम सीधा। अगर ये डार्ट चाकू की तरह घोंपा गया होता तो इतना सीधा नहीं बन सकता था। सर जैसे कि ये डार्ट यहाँ पैर पे घुटने के ऊपर मारा गया है, इसका मतलब है कि किसी ने निशाना नीचे से लगाया। सर उस पार्टी में इतने सारे लोग थे और किसी ने खूनी को देखा कैसे नहीं? तो ये भी हो सकता है दया कि खूनी ने छुप कर डार्ट चलाया, या फिर कोई डार्ट चलाने वाला ट्रिगर मैकेनिज्म ऐसी जगह पे फिट किया हो जो जगह ऊंचाई में कम हो। मगर सर ये मैकेनिज्म कहां पे लगाया होगा और कैसे लगाया होगा? वही तो पता लगाना है ना फ्रेडी, वही तो पता लगाना है। लेकिन एक बात पक्की है कि युग को पार्टी में बुलाकर खूनी ने उसका पूरा फायदा उठा लिया। सर कहीं इस सब के पीछे शनाया तो नहीं? हो सकता सर, शनाया के पास युग को मारने की वजह भी है। उसने बहुत सारे पैसे कर्जे में लिए थे उससे, और वो पैसे लौटा नहीं पा रही है। शनाया? हाँ हो सकता है शनाया ने युग को पार्टी में बुला लिया, उसको खत्म कर डाला, सारे पैसे हड़प कर लिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे सुनो। अरे भैया इधर आइए, आपको एकदम सस्ती भाजी दूंगा। अरे यार नहीं, सब्जी नहीं चाहिए, सुनो तो। भाई साहब हम समझ गए, आपको एकदम ताजी भाजी देंगे हम। नहीं आप जरा ये देखो, इसको जानते हैं आप? ये तो गोटिया है, लाल ट्रक चलाता था। हाँ यही, पहले नीली ट्रक चलाता था। हाँ हाँ, लेकिन अभी आप उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? गोटिया मर चुका है। क्या? गोटिया मर गया? ये कैसे हुआ? अब वो शराब, कच्ची शराब पीता था, उसी से उसकी जान चली गई। गोटिया मर गया, ये हुआ कब?
अभी 1.5 महीना तो हुआ है। वो रहता कहाँ था? वो बसरा चौल में रहता है, लेकिन आपको वहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। क्यों, उसके घर में कोई रहता नहीं है क्या? नहीं नहीं, सब रहते हैं, लेकिन उसकी बीवी है ना, भाजी की दुकान लगाती है। सब्जी की दुकान कहाँ लगाती है वो? राहुल, क्या बात है, तू इतना चुपचाप क्यों है? कुछ नहीं। रुक, मैं पता लगाता हूँ क्या बात है। 1, 2, 3 पता चल गया। तुम तो एकदम सीआईडी अंकल्स की तरह बर्ताव कर रहे हो। क्या करूं, कभी कभी सोचता हूँ कि बड़े होकर एक सीआईडी अंकल ही बन जाऊं। अच्छा तो बता, तेरे बारे में क्या पता किया? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू बता कि तेरी परेशानी क्या है। बंटी, वो ना मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है। मैं समझ गया था, पर राहुल तू चिंता मत कर, सीआईडी अंकल आ गया है ना, अब तेरे पापा को गायब करने वाले लोगों को पकड़ेंगे और उन्हें जेल में डाल देंगे। सच? मैंने आज तक कभी तुझे झूठ बोला है क्या? बिल्कुल नहीं। चल अब खुश हो जा। राहुल, तुझे पता है जब मैं बड़ा होकर सीआईडी अंकल बनूंगा ना, तो गुनेगारों को कैसे सजा दूंगा? कैसे? गुदगुदा के, उन्हें इतना गुदगुदाऊंगा, इतना गुदगुदाऊंगा कि वो लोग परेशान होकर सच बोल देंगे। ये तो अच्छी बात है। तो चल देख कर आते सीआईडी अंकल क्या कर रहे हैं। तो चल। मैं अकेली हो गई साहब, गोटिया मुझे छोड़कर चला गया, आप लोगों ने उसकी याद दिला दी। देखिए, एक केस के सिलसिले में पूछताछ करनी थी, इसलिए हमें आपसे पूछना पड़ा। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। आप ठीक कह रहे हो मैडम जी, एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। गोटिया ने नहीं समझा साहब, पता नहीं कि उसने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम किया, देसी दारू पिया और इस दुनिया से चल बसा। एक मिनट, ये गोटिया सब्जी की डिलीवरी वाली ट्रक के अलावा कहीं और भी ट्रक चलाता था? हो साहेब, गोटिया सरकारी ड्राइवर था, अनि बिल्डिंग बनाने वाले और ठेकेदार होते हैं ना, उनको सीमेंट पहुंचाता था, अनि थोड़े पैसे ज्यादा के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम भी करता था। हो साहेब, कितनी महंगाई है, काम तो करना ही पड़ेगा, अनि ये कंपनी में काम करके तो बहुत फायदा भी हुआ, बहुत पैसा मिला साहब, उसी पैसे से तो मैंने दुकान डाला है। ज्यादा कमाई हुई, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया उसने? मालापन बांट लो था, कायतरी गलत किया है उसने, बीच में बहुत टेंशन में रहता था, अनि दारू भी बहुत पीता था। टेंशन में था, तुमने पूछा नहीं क्यों? मैंने पूछा था साहब, पर उसने बताया नहीं, उन लोगों ने उसको कुछ तो करने को कहा था। कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहा था? मालूम आई थी नहीं साहेब, मैं पेपर देती है, तुम ही देख लो, ये है साहेब। शाइन ब्रिक कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पुणे। सर, इसी कंपनी में तो विशाल भी काम करता था। अच्छा, वो छाता यहाँ पे रखा गया था जिसपे डार्ट लगा हुआ था, यहाँ पे। इतनी ऊंचाई पर और इसी जगह पे, और युग यहां पर खड़ा था, फोन पर बात कर रहा था। वो फोन जो झूठा फोन था, सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि युग यहां आकर उस फोन पर बात करे, उसे यहां लाने के लिए किया गया था। युग यहां पर फोन पे बात कर रहा था, उसी वक्त किसी ने ट्रिगर चला दिया, डार्ट निकला उस छाते में से और घुस गया यहां घुटने के ऊपर युग के। और वो आदमी जिसके हाथ में इस डार्ट का ट्रिगर था, वो इसी पार्टी में मौजूद था। मुझे बताइए कौन है खूनी, इसने मेरे युग को मार दिया। वही जो इस पार्टी के बारे में सब कुछ जानता था, वही जिसे युग के साथ कुछ लेना देना था, वो जिसे युग खटक रहा था। युग ने उसे पैसे दिए हुए थे और शायद वो उसे वापस मांग रहा था। क्यों शनाई जी, सच है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है, मैंने युग और दिया से पैसे जरूर लिए थे, लेकिन सर मैं किसी की जान नहीं ले सकती हूँ। हाँ, हमने कब कहा कि आपने युग की जान ले ली है? किसी से मरवा दिया युग को और क्या? तुमने जान ली मेरे युग की, हमने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद की, तुम्हें पैसे दिए, उसी पैसे के लिए मेरे युग को मार दिया। नहीं दिया, ये तुम क्या बोले जा रही हो?
सर, मुझे मेरी फिल्म का एडवांस मिला था, मैं युग को पैसे लौटाने ही वाली थी। मेरे पास वो चेक है, मैं आप लोग को वो दिखा सकती हूँ। चेक घर में रखने से कर्जा नहीं उतरता, कर्जा उतारने से उतरता है। वैसे लोगों को कर्जा लेने में बहुत अच्छा लगता है, मगर जब कर्जा उतारने की बात होती है तो बहुत तकलीफ होती है। क्यों? और इसीलिए तुमने उस गिटार बजाने वाले के हाथों युग को मरवा दिया। कौन सा गिटार बजाने वाला सर? पार्टी तो तुम्हारी थी शनाया, तुम तो जानती होगी उसे। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई गिटार बजाने वाला था? हमने वीडियो फुटेज में उसे देखा था, उसने गिटार बजाने वाला थंपिक पहना हुआ था। शायद वो कहीं और परफॉर्म करके यहाँ इस पार्टी में आया था, इसलिए शायद हड़बड़ी में वो थंपिक उतारना भूल गया। वाकई? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? देखो भाई, मैं निर्दोष आदमी हूँ, अपने आप में मस्त रहता हूँ, और मुझे किसी के मरने मारने से कुछ लेना देना नहीं है। चुप रहिए, वो तो फैसला हम करेंगे कि कौन खूनी है और कौन नहीं, समझे? सर, 2 घंटे हो गए इस मिल में इंतजार करते करते, अब तक तो उसका मालिक नजर नहीं आया, कब तक इंतजार करते रहेंगे? जब तक उससे मिल नहीं लेते। चल, आ गई सर। मेरा नाम कियाना है, ये मेरा ही ऑफिस है। कियाना जी, आप यहाँ? अरे सर, आप कुछ पता चला विशाल के खूनी का? जी हाँ, उसका खून आपके यहाँ काम करने वाले एक ड्राइवर गोटिया ने किया है। गोटिया? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। खैर, आपने उसे गिरफ्तार किया? जी नहीं, क्योंकि गोटिया अब इस दुनिया में नहीं। ओह अफसोस, तब तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपको ये केस बंद करना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, केस तो बंद नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है कि गोटिया को भी किसी और ने मारा है। सर, आप लोगों का तो काम है शक करना। नहीं, आपको भी मालूम है, हैं? देखिए ना कैसा संयोग है, विशाल आपकी कंपनी में काम करता था, उसे गोटिया ने मारा, और गोटिया भी आपकी कंपनी के लिए काम करता था, और वो भी मारा गया। अच्छा आदमी था विशाल, पर गोटिया? इस नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानती। सर, मेरी कंपनी में काफी लोग काम करते हैं, अब सबका नाम और चेहरा याद रखना काफी मुश्किल है मेरे लिए। ये बात तो है। खैर, उसके मरने की खबर तो मिली होगी आपको? इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास ऑफिसर, पर हाँ, मेरी कंपनी के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को वीर नाम का आदमी देखता था, शायद उसे कुछ मालूम हो। वीर? कियाना जी, इस वीर को बुलाएंगे आप? आई एम रियली सॉरी ऑफिसर, बट मैं चाहते हुए भी आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? वीर ने अचानक ही हमारी कंपनी कुछ दिन पहले ही छोड़ दी। सर, हमने उसका नंबर भी ट्राई किया था, मगर उसका फोन बंद आ रहा है। इस वीर ने आपकी कंपनी में कोई घपला वगैरह तो नहीं किया था? सर, काफी बड़े काम है हमारे, लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, अब अगर हम नुकसान के बारे में ही सोचते रहे तो फायदे के तो सभी मौके खो देंगे, है ना? खैर, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो अब मैं चलूं? श्योर, अभी आप जा सकती हैं। थैंक यू। सर, सर एक जरूरी बात बतानी है आपको। हाँ बता। सर, विशाल बहुत शौकीन मिजाज का आदमी था। शौकीन मिजाज का? क्या 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 करता था वो? सर, जिस रात उसका खून हुआ था, उस रात होटल आला में उसने अपने नाम पर एक कमरा बुक किया था। होटल आला? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सचिन, जरा इस होटल आला का ताला खुलवाओ, पता करो ये विशाल क्या कर रहा था वहां पे। सर, दरवाजे पे ताला था और उसका फोन भी बंद है। पूरे घर की तलाशी लेते हैं।
सर। आप पकड़े? सर घर में सूटकेस वगैरह कुछ मिला नहीं था, लगता है पूरी तैयारी के साथ भाग गया। भाग के जाएगा कहाँ? सर क्या लगता है आपको ये युग का खून किसने किया होगा? बताता हूँ पंकज, बताता हूँ। अरे थोड़ा इंतजार करो, बड़ा फैसला सुनाने के लिए बड़े दिमाग की जरूरत पड़ती है, कुछ खास तरीके का तुक्का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं वो तुक्का अपने बड़े दिमाग से निकाल रहा हूँ। बड़ा दिमाग? अच्छा सर ये बड़ा दिमाग हम सबके पास होता है कि सिर्फ आप ही के पास है? अरे सबके पास होता है मगर सबको पता नहीं चलता। कुछ लोगों का बड़ा दिमाग बचपन में ही खुल जाता है, जैसे कि एसीपी साहब का, मेरा, अभिजीत सर का, दया सर का। कुछ लोगों का बड़ा दिमाग बुढ़ापे तक नहीं खुलता। मगर सर ये बड़ा दिमाग क्या, मेरी तो समझ में ही नहीं आया। तू चिंता मत कर पंकज, कुछ लोगों का बड़ा दिमाग शादी के बाद भी खुलता है। ओ तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मगर किसके साथ? अरे यार ऐसी छोटी मोटी बातों पे डिस्कस मत कर, पहले हमें खूनी को पकड़ना है। चलो खूनी को पकड़। शनाया एक्ट्रेस है, अच्छी एक्टिंग कर लेती है, लेकिन फ्रेडी की पैनी नजरों से बच नहीं सकती। कुछ पता चला सर खूनी कौन है? एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? मेरे बड़े दिमाग में एक मैसेज आ रहा है। मैसेज इनकमिंग। अरे मजाक कर रहा हूं मैं। अरे नहीं 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 आप करो सर, क्या कर रहे थे? अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 में लागा था का, चोरी करके भागा, पाव रोटी बिस्कुट, साफ बोला वेरी गुड, नहीं नहीं वेरी बैड। नहीं सर, सर इसका नाम मत लीजिए सर, ये खून नहीं कर सकती सर, ये तो शनाया है। अरे शनाया है तो क्या हुआ, उसके चेहरे पे थोड़ी ना लिखा है कि वो खून नहीं कर सकती। सर मैं मानता हूँ कि आपके पास बड़ा दिमाग है, मगर सर गुनेगारों को पहचानने की नजर नहीं है आप में। क्या बोला? सही बोला सर। सर सोचिए सर, उसका चेहरा याद कीजिए, वो कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम, कितनी भोली, कितनी प्यारी है सर। सर वो किसी का खून कैसे कर सकती है? लेकिन पंकज वो शक के दायरे में है, जरूर है। मैं नहीं मानता। अरे तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, वो देखा जाएगा। मगर अगर शनाया को कुछ हो गया तो पंकज का क्या होगा? क्या हुआ सर? इसके तो नाम से भी शराब की बू आ रही है। सर ये तो शराबी, लालची, जुआरी सब लगता है सर। पता चल गया। पता चल गया तो जल्दी बताइए सर, कौन है वो? शनाया। शनाया नहीं। टोनी, टोनी सर, जल्दी आइए। तुम आ गया। ये तो ठीक वैसे ही डांट है जैसे युग को लगा था। मारा कहां से होगा? तो खूनी अंदर आया कहां से? सर सारा सामान भी बिखरा हुआ है, शायद इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई है। हो सकता है श्रेया, ढूंढो देखो कुछ मिलता है क्या। सर आशय, सर ये देखिए। वाह, तो इस माइक में छुपा रखा था वो डार्ट। टोनी ने ये माइक शायद अपने मुंह के पास लाया होगा और वो डार्ट या माइक से निकलकर उसके गले में फंस गया और मारा गया। पर सर ये सब किसने किया होगा?
वही जिसे डर था कि हम इस टोनी के जरिए युग के खूनी तक पहुंच जाएंगे। सर, सर, क्या हुआ? यहाँ पे कुछ है। क्या है? अब पहले मुझे बाहर निकालो, फिर दिखाऊंगा। ये देखिए सर। सम्राट? हाँ सर, सम्राट मामा। पता करो इस वक्त ये कॉइन उछालने वाला कहाँ है। एक बात समझ में नहीं आ रही, विशाल जैसा मिडिल क्लास आदमी अपने ही शहर के इतने महंगे होटल में क्यों रुकेगा? सर, इतने महंगे होटल का खर्चा कैसे उठाया होगा इसने? लगता है विशाल जरूर कुछ गलत काम कर रहा था जिसकी वजह से इसका खून हो गया। कहाँ पे है? सर, रिसेप्शन पे। सर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है सर, मुश्किल से जान बचाकर पहुंचा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं, तकरीबन 3 महीने पहले विशाल का खून हो चुका है इसलिए, पर हमें शक है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए उसकी सारी जानकारी बहुत जरूरी है। सॉरी सर, एक मिनट, मैं अभी देता हूँ। विशाल मारा गया और रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल गई। वो ट्रक ड्राइवर जिसने विशाल को मारा था, वो तुम्हारी कंपनी के लिए काम करता था, उसे भी कच्ची शराब पिला के मार दिया। इन सब के पीछे तुम हो, तुम। तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? कुलदीप लटका दिए साहब, ऐसे इल्जाम मत लगाइए। कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है, मेरे पास बचने के लिए आपके सिवा और कोई जगह नहीं बची साहब। आप लोग सुरक्षा नहीं देंगे तो मैं तो बेहोश पड़ जाऊंगा सर, बेहोश पड़ जाऊंगा मैं साहब। घर छोड़कर भाग गए और जब कहीं छुपने की जगह नहीं मिली तो नाटक कर रहे हो? नाटक नहीं है ये, नाटक नहीं है ये। अरे मैं तो खुद ही किस्मत कमा रहा हूँ, आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ठीक है ठीक है, इसको ले जाओ, जरा मरहम पट्टी करो, जाओ इधर से। सर ये रहा। विशाल हफ्ते के आखिर में 6 महीने तक लगातार इसी होटल में आके रुके, पर हाँ सर, वो हमेशा एक ही कमरा यूज करते हैं। लगातार 6 महीने से इस होटल में आ रहा था वो। अच्छा, वो अकेले आ रहा था या साथ में कोई और आता था? अकेले सर। ये विशाल यहाँ अकेले आके करता क्या होगा? सर, हो सकता है किसी से मिलने आता हो सकता है। अच्छा एक काम करो, जिस वक्त इस होटल में विशाल रुकता था उस वक्त और कौन कौन रुका है सबकी लिस्ट चाहिए। जी सर, मैं भी देता हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है बेटा, क्या कहना है बता। ये क्या है? ये आपके लिए। मेरे लिए? वकील साहब प्लीज मुझे किसी और के साथ मत भेजिए, मुझे कहीं और नहीं जाना है, मैं अपने एसीपी अंकल के साथ ही रहना चाहता हूं हमेशा के लिए। मैं बहुत खुश हूं उनके साथ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं उन्हें छोड़कर कहीं खुश नहीं रह सकता। मैं जानता हूं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। क्या है ये बेटा? हाँ अंकल, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है अंकल। मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है बंटी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बेटा हमारे देश के कोई कायदे कानून होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है। पर अंकल रहना तो मुझे है ना, तो मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना, और मेरा दिल कहता है कि मैं आपके साथ ही रहूं। मेरा भी दिल वही कहता है, लेकिन अगर तुम्हें कहीं भेजना है तो मैं तुम्हें
किसी ऐसे वैसे जगह नहीं भेजूंगा जहां पर तुम्हें तकलीफ होगी। मगर हां, अगर कोई आए और कहे और साबित करे कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है और वो तुम पर अपना अधिकार रखना चाहता है तो ही मैं तुम्हें उसके साथ भेजूंगा, और अगर मुझे पूरा यकीन हो तो। अंकल, आप किसी पे यकीन ही मत करना। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी नजर तुम पर हमेशा लगी रहेगी, हमेशा। मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा और दूर से मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जी साहब। तुम कौन हो? साहब मेरा नाम रंगा है। मैटरन मैडम ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला था। दरअसल मुझे यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया है। देखो रंगा, ये बंटी, ये मेरा बच्चा है, इसका ख्याल रखना अच्छी तरह से। जी साहब। और बाकी सभी बच्चों पर भी। हाँ जी, वो तो रखता ही। जाओ तो। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। आराम से। ओके, चलो बाय बाय। गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.